तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको ये बताना है कि मैजिक पावर किस तरह शो कराई जाती है। आप बहुत सी वीडियो में देखते हैं मैजिक पावर हो रही होती है, उसमें एडिटिंग हुई हुई होती है, उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने दो ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। एक है काइन मास्टर ऐप जो कि बहुत ही फेमस ऐप्स है, और बैकग्राउंड रेजर ऐप्स है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाएगी। सबसे पहले आपने काइन मास्टर पे आना होगा। जैसे ही आप काइन मास्टर पे आएंगे तो आपने प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपने 16:9 पे क्लिक करना है, फिर आपने वो वाली वीडियो सिलेक्ट करनी है जो आपने अपने कैमरे से बनाई है। तो मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है, मैं वो सिलेक्ट कर ले, तो मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो हम इसे देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर एडिटिंग कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसका मैं वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे 0 कर देते हैं। तो फिर हम इसे चेक करते हैं। तो आपने सिंपली इसे देखना है और चेक करना है। ये देखें, ये दो बच्चे आते हैं, हाथ हिलाते हैं और एक कहता है कि लेट जाओ, और ये पावर शो कराता है कि हम मैजिक पावर किस तरह दिखाते हैं। तो ये जब बच्चा चला जाता है फिर ये अपना हाथ ऊपर करता है और मैजिक एक्शन करता है। तो आपने भी इसी तरह सिंपल सी एक वीडियो बना लेनी है। तो हम इसे फिर बैक ले जाते हैं जहाँ पर ये बच्चा लेटता है। यहाँ पर देखें तो ये फुली लेटा हुआ है। तो फिर आपने कहाँ आ जाना है, फिर आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आपने कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। तो आपकी पिक बन जाएगी। फिर आपने आ जाना है बैक, चले आना है, फिर आपने बैकग्राउंड रेजर पे चले आना है। बैकग्राउंड रेजर पे आने के बाद आपने वो वाली पिक सिलेक्ट करनी है जो आपने कैप्चर की थी अभी। तो मैंने ये वाली पिक सिलेक्ट करनी है। फिर आपने इसका एरिया सिलेक्ट करना है, मतलब मैं नीचे वाले बच्चे को उठा रहा हूँ तो मैं नीचे वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसे रेज कर देता हूँ यहाँ। तो आपने पिक्चर को जूम कर लेना है। यहाँ पर तो आपने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देना है, सिलेक्टर का साइज़ आपने थोड़ा छोटा कर लेना है। आपने यहाँ पर इसे ले आना है, फिर आपने यहाँ एरिया सिलेक्ट करना है, धीरे धीरे सिलेक्ट करना है ताकि पीछे वाला बैकग्राउंड ना आए। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि आगे जगह क्लोज आ रही है। कपड़े थोड़े गहरे बैठते रहे लेकिन पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, तो वीडियो में सही एडिटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इसे काट लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने तो फिर आपने यहाँ पर आना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर बैक चले आना है, बैक काइन मास्टर पे चले आना है। फिर आप यहाँ पर रुके थे आपने वहाँ पे आना है, सर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने
वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपने स्प्लिट ऐड प्ले हेड पे क्लिक करना है। स्प्लिट ऐड प्ले हेड पे क्लिक करेंगे तो आपने राइट वीडियो को देखना है और देखते आना है जब ये बच्चा यहाँ स्क्रीन से चला ना जाए। यहाँ पर वो चला गया है तो हम इसे क्रॉप कर देंगे। आपने यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपने क्या करना है यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने थोड़ा पीछे चले आना है यहाँ पर जब ये बच्चा लेटा हुआ था, तो आपने वो वाली पिक सिलेक्ट करनी है जो बैकग्राउंड रेजर से बनाई है। तो हमने ये वाली पिक बनाई है तो आपने इसे पिक्चर के साथ बड़ा कर देना है। यहाँ पर आपने बड़ा कर देना है और इस पिक्चर को आपने जो राइट साइड पर वीडियो है आपने उसके बराबर कर देना है। यहाँ पर हमने बराबर कर दिया और यहाँ पर आपने इसे लेके आना है। फिर आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। फिर आपको लेफ़्ट साइड पे चाबी दिखाई दे रही होगी, आपने चाबी पे क्लिक करना है। चाबी पे क्लिक करने के बाद आपने इस पिक्चर को ऊपर लेके जाना है। इस पिक्चर को आपने यहाँ पर छुपा देना है। यहाँ पर छुपा देंगे तो फिर हम इस वीडियो में चलाएंगे। तो ये देखिए हमारी वीडियो बन गई। इस तरह वीडियो में एडिटिंग की जाती है। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो टेक्निकल नेमर टिप को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।